आज भारी हंगामे के बीच मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। सत्र के दूसरे दिन ही महंगाई और ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। हालांकि इस दौरान वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने सदन में 4,465 करोड़ 44 लाख से भी ज्यादा का सप्लीमेंट्री बजट पटल पर रखा, जिसे हंगामे के बीच में पास करवाया गया। 4 घंटे के सत्र पर हमारी ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र दूसरे दिन ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। विपक्ष ने तय रणनीति के तहत सदन की कार्यवाही शुरू होते ही ओबीसी आरक्षण और महंगाई के मुद्दे पर सरकार पर तीखे प्रहार किए। सदन में दोनों ही मुद्दों पर सरकार और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिले, जिसके चलते विधानसभा अध्यक्ष ने कार्यवाही को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित किया। तो कांग्रेस विधायकों ने काला एप्रिन पहनकर विधानसभा में गांधी प्रतिमा के पास प्रदर्शन किया। हालांकि भारी हंगामे के बीच सरकार ने अनुपूरक बजट समेत सभी विधेयक सदन में पेश कर दिए और पास भी करवा लिया। लेकिन कांग्रेस विधायकों के प्रदर्शन पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि कमलनाथ को जवाब देना चाहिए कि उनकी सरकार के दौरान ओबीसी आरक्षण के लिए क्या किया गया। सीएम ने यह भी कहा कि पूर्व की सरकार आरक्षण केस को लेकर एडवोकेट जनरल को कोर्ट में खड़ा करते नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने धोखा दिया पिछड़े वर्ग, पाखंड किया पिछड़े वर्ग के साथ, पिछड़े वर्ग की पीठ में चुरा घोंपने की घटिया राजनीति की। 28/3/2019 को ये 14-27% आरक्षण का प्रावधान लेकर आए। 10 तारीख को उसके खिलाफ याचिका प्रस्तुत हुई और 19 तारीख को हाईकोर्ट ने उसको स्टे कर दिया। कमलनाथ जी, आपको जवाब देना होगा। शुरुआत आपने की है, 27% आरक्षण बरकरार रखने के लिए 10 से लेकर 19 तारीख तक आपने क्या किया? जब याचिका दायर हुई आपने क्या किया, कौन से कदम उठाए कि स्टे ना हो? आग पे पट्टी बांध के बैठे रहे। हालांकि सीएम शिवराज के आरोपों का जवाब देने के लिए विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने मोर्चा संभाला। कमलनाथ ने महंगाई से लेकर ओबीसी आरक्षण पर मुख्यमंत्री पर हमला बोलते हुए कहा कि हमारी प्रजातंत्र की नींव है लोकसभा और विधानसभा, प्रदेश सरकार इसके साथ खिलवाड़ कर रही है। सदन में महंगाई पर स्थगन प्रस्ताव और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान आकर्षण रखा था, लेकिन सरकार दबाने और छुपाने में विश्वास करती है। महंगाई से हर वर्ग प्रभावित है। लगभग 55% आबादी पिछड़े वर्ग की है। हमारी सरकार ने उन्हें 27% आरक्षण दिया था। शिवराज सरकार ने कोर्ट में गलत बात रखी। शिवराज चालाकी की राजनीति करते हैं। हमारे प्रजातंत्र की जो नींव है, हमारा संसद, हमारी विधानसभाएं, बड़ी दुख की बात है कि जिस प्रकार हमारे प्रजातंत्र का इस स्तर में खिलवाड़ किया गया है। हमने 27% आरक्षण दिया था, इसमें भी हमने स्थगन प्रस्ताव मूव किया था, स्वीकार नहीं करेंगे। जब 55% हमारे प्रदेश की जनसंख्या पिछड़े वर्ग की है, आज इसको ना पास करके जो हमने किया था, हमने इसको लागू किया था, ये कोर्ट में गए, कोर्ट में गलत इन्होंने बयान दिया, कोर्ट में गलत बात कही और आज ये अटका हुआ है। कितनों का जीवन प्रभावित हो रहा है। आज हमारे नौजवान जो सपना देख रहे थे कि आरक्षण का लाभ उन्हें मिलेगा, उनकी उम्र बीत रही है, उनको कोई लाभ नहीं मिल रहा। 4 दिन चलने वाला विधानसभा का मानसून सत्र
दो दिनों में कुल 4 घंटों से भी कम चला। हालांकि नेता इसकी वजह एक दूसरे को बताते नजर आए, लेकिन सदन में राजनीतिक दलों में कमजोर तालमेल और सियासी महत्वाकांक्षा के कारण कई जनहितेशी मुद्दे हंगामे की भेंट चढ़ गए। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।